रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी साइको टेस्ट परीक्षा और एएसएम की भी साइको और दूसरी भाषा में बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा जो होती है उसमें 5 बैटरी टेस्ट होता है, पता ही है आपको 5 बैटरी टेस्ट। इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और 5ों बैटरी टेस्ट में एक टेस्ट होता है ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट को अगर एक्चुअल में कहें तो इसे बोला जाता है डेप्थ कंसेंट्रेट टेस्ट होता है, यानी आपको गहराई में सोचने की क्षमता की जांच इसमें की जाती है, जिसमें 5 मिनट में 50 प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं एक प्रश्न के लिए आपको कितना टाइम मिलता है। तो 5 मिनट यानी कहें 5 मिनट को अगर 60 से भाग दे देंगे, गुना कर देंगे, तो ये होता है 300 सेकेंड, और 300 सेकंड में करना है 50 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक में देखे होंगे 6 सेकंड में प्रश्न को हल करना, और वही होता है साइको में। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है तो आप प्रैक्टिस अगर कर रहेंगे तो ये कठिन प्रश्न ईजी बन जाएगा। तो कैसे, सबसे पहले प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं कि ये 50 प्रश्न है तो 50 का आपको 42% ही करना है, तो 42% एक्चुअल करना है, लेकिन हम लेके चलते हैं इससे 60%, यानी 50 का 60 का है तो 30 प्रश्न आपको इसमें कम से कम करना है, इससे नीचे नहीं करना है। सही तो 30 प्रश्न अगर आप करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10 सेकंड एक प्रश्न पे। तो सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता में थोड़ा 6 सेकंड से आप 10 सेकंड में चले गए तो 4 सेकंड यानी दुगना का रिलैक्स मिल रहा है। उसके बाद कुछ ट्रिक्स है जिसको हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे इस ब्रिक टेस्ट को हम क्रैक करें और कैसे इसको समझें कि अगर कोई पूछ दे कि ए ईट कितने ईट से टच कर रहा है, तो उसके लिए कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस कंसेप्ट को सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये हमने आपके लिए ब्रिक टेस्ट के लिए 5 कंसेप्ट लेके आया हूँ, इसके नियम आप देख लें, बढ़िए आराम से देख लें। सबसे पहले कंसेप्ट आपका है सभी ईट समान होता है, यानी लंबाई चौड़ाई और हाइट सबकी कांस्टेंट होती है। एक ईंट अगर 2 मीटर की है तो दूसरी भी 2 मीटर की ही होगी। लंबाई चौड़ाई तो ईंट का आप कंसेप्ट देख लेंगे तो एक ईंट होता है, एक ईंट कितने भुजा होती है आपको पता है, 3 तो डायरेक्ट दिखता है, 1, 2, 3 और 3 इसके बैक साइड में, इसके डॉट डॉट वाले, तो ये आपको पता है। इस कंसेप्ट को मैं एक बार और क्लियर कर दूँ तभी आप समझ पाएंगे बढ़िया से इस कंसेप्ट को, और ऐसा होता है यानी 6 भुजा में 3 भुजा ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख सकता है, और ये 6 में ये लंबाई है, ये आपकी कह सकते हैं हाइट है, और ये कह सकते हैं कि चौड़ाई है, तीनों हमेशा बराबर होता है, तो LWH इक्वल। उसके बाद दूसरा हमारा इसमें है कि ईंट का फ्लैट सरफेस स्पर्श माना जाता है, कॉर्नर नहीं। तो आप इस प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न को आप समझ लें, अगर बी ईंट है और इसकी कॉर्नर से अगर ये टच हो रहा है, इस टच को हम नहीं काउंट करते हैं, केवल फ्लैट सरफेस जितनी टच हो रही है उस वाले फ्लैट सरफेस को काउंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको एग्जम्पशन लेके चलना है। जैसे अगर कोई ईंट किसी से केवल कॉर्नर टच हो रहा है तो कॉर्नर को आपको लाइन को नहीं मानना है। उसके बाद तीसरा कंसेप्ट है किसी भी ईंट की लाइन दूसरे ईंट के लाइन समानांतर हमेशा होगा। एक लाइन अगर इधर जा रही है, दूसरी लाइन इधर जा रही है, तो दोनों के बीच हमेशा डिस्टेंस बराबर होता है, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि पूरी ईंट एक लेंथ में बराबर तो ऑलरेडी पहले था, लेकिन वो एक दूसरे से दूरी उतना ही भी बनाए रखेगा। यानी ईंट चौड़ाई में रखी हुई है तो चौड़ाई में रहेगी, लंबाई में रखी हुई तो लंबाई में रहेगी, और वर्टिकल में रहेगी तो वर्टिकल में ही रहेगी पूरी, जहाँ तक ईंट समाप्त नहीं होती है। चौथा यहाँ पे एग्जम्पशन है, एक ईंट कम से कम 2 को स्पर्श करेगा। किसी भी समतल में अगर एक ईंट ऐसे बक्से में रख दिया जाए तो देख सकते हैं एक ईंट कम से कम 2 एक
ईट है तो एक दो कम से कम टच करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा का कोई नियम नहीं है, और जनरली 7 या 7 तक जनरली करता है मैक्सिमम, लेकिन कोई रूल नहीं है, 8 भी कर सकता है अगर डिजाइन किया जाए तो। ईंट की साइज छोटी कर दिया जाए तो बहुत संख्या हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होगा। तो सबसे पहले आपके पास एक वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, एक कभी नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है 5वें नंबर, किसी भी ईंट का न्यूनतम भाग 1 दिखाई देगा, कम से कम 1 दिखाई देगा और अधिकतम 3/1 दिखाई देगा। एक ईंट में एक पूरी ईंट का कम से कम 1 भाग और ज़्यादा से ज़्यादा 3/2 दिखाई देगा, इस सर्किट में हमने ऑब्जर्व करके देखा है। उसके बाद अगर आपको इतना पता हो गया, उसके बाद आंसर कैसे देना है ये देख लें। तो पूछेगा कि ए ईंट किससे टच कर रहा है, तो एक ईंट अगर 5 ईंटों से टच कर रहा है तो 5 वाले कॉलम को आपको इससे रंगना होता है, कलर करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रश्न थोड़ा दूसरे टाइप से आता है, सेट 1 के करके आएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 5, सेट 10 तक आएगा, और हर सेट में 5 प्रश्न हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और जो 50 प्रश्न पूछा गया है हो सकता है 60 भी कर दिया जाए या 40 भी कर दिया जाए, लेकिन टाइम लिमिट इसके साथ चेंज होते रहेगा। अगर कम करेगा तो टाइम आपको कम मिलेगा, ज़्यादा करेगा तो टाइम आपको ज़्यादा देगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो इस सेट को आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद आप दूसरी बात पर आते हैं, एक्चुअल में तो गहराई की सोच के लिए आपको इस सेट 5 मिनट 50 क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप देख ले, पहले सबसे पहले आप सोच ले कि ईंट कैसे रन कर रही है। तो एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक ए डायरेक्शन और तीसरा ए डायरेक्शन, तो 3 ही डायरेक्शन टोटल ईंट की है। किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो 3 ही डायरेक्शन में आपको मिलेगा, तो बस यहीं से कंसेप्ट शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ से कंसेप्ट शुरू 1 में पूछ दें कि ये ईंट कितने को टच कर रहा है। तो अभी स्पीड स्लो रखेंगे, उसके बाद आपके पास चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ईंट संख्या ए है, तो कितनी टच करेगा, तो ध्यान दीजिएगा कैसे टच करेगा। पहले तो 1 ईंट 2 ईंट सामने सामने हो गया, तीसरा ईंट ए हो गया, 14 ईंट ए हुआ, तो लोग बोलेंगे 4 ईंट से कम करता है। तो इसे बोलते हैं, किसे, इस टाइप के नॉलेज को बोलते हैं ओवर व्यू नॉलेज। तो बोलेंगे कि क्या ऐसा क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ आपको बताना है डेप्थ कंसंट्रेशन। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा हो सकता है, देखिए ये ईंट कैसे जा रहा है, ये ईंट किससे और टच करेगा, ये ईंट आपको टच करेगा आपको सी से, इस वाले ईंट से और साथ में फाइनली जो फाइनल इधर की तरफ ईंट लगेगा उससे भी टच करेगा। तो 4+3 4+ नॉर्मल के लिए, 3+ आपको एक्सेप्शनल केस के लिए जो गहराई में सोच सकते हैं। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी टच करेगा, 7 करेगा। एक बार और दोबारा से आप देख लें, 1 2 3 4 डायरेक्ट टच कर रहा है, ए भाग। अब इस ईंट को हम एक बार आगे बढ़ा दें, तो आप इस प्रश्न को थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, ए लाइन इसके पैरेलल जाएगी इधर की तरफ, ए लाइन इधर की तरफ जाएगी, और ये लाइन कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक ये ईंट इस लाइन को टच ना कर जाए। तो पहले इस ईंट से टच करेगा, फिर इससे करेगा और इससे करेगा, कितना कंसंट्रेशन है, तो ये तीनों ईंट की संख्या इसके 4 के साथ जुड़ जाएगी और ये ईंट 7 ईंट से टच करेगा। चलिए एक बार आप समझ गए होंगे, अब बी की इसी तरह बात कर ले, तो बी ईंट का देखें, एक इसी तरह देख लेते हैं इसको, हम एक ही प्रश्न में देख ले तो आसानी से हो जाएगा, सॉरी एडजस्ट नहीं हो रहा है टाइम। हाँ तो चलिए बी को चलते हैं, बी ईंट को देखें, तो सबसे पहले हमारे पास 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट, तो ये ईंट किसकी पार्ट है, इस ईंट की पार्ट है, तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन ये ईंट कहाँ तक जा रही है, डी तक, तो डी में टच हो रही है, तो ईंटों की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4। अब देखिए कोई और ईंट से ये टच हो रहा है क्या, तो ये ईंट जहाँ तक आपका जा रहा है बी तक,
उसी तरह समानांतर जा रहा है, ये भी समानांतर जा रहा है, लास्ट में क्लोज ये कर रहा है। अब एक सवाल लोगों को उठता है कि कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला ईंट टच हो रहा है ये से, तो ध्यान दीजिएगा कॉर्नर का वैल्यू नहीं काउंट करना है, पूरी फ्लैट फेस होनी चाहिए। तो बी के लिए कौन कौन से है, डी है, ये ईंट अनमार्केड है, इसमें नाम नहीं है, ये भी नाम नहीं है, ये भी नाम नहीं है, ओनली फोर ईंट से टच कर रहा है। तो ए बराबर हमारा 7 था, बी बराबर 4 आ गया। अब सी की बात कर ले, तो सी के लिए आप बात करेंगे तो सी ईंट को देखिए सबसे सेंटर में है और सबसे गहराई से सोचने की ऐसी ईंट में ही ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रंट पे देख ले, 1 2 3 4 5 हो गए, लेकिन ये ईंट सी कहाँ तक पीछे तक जाएगी, और पीछे तक जाएगी तो किसके किस में टच होगी, ध्यान दे, सबसे पहले डी ईंट में टच होगी और उसके बाद ए ईंट में टच होगी। तो 5 4 यहाँ से और 2 6, और एक ईंट और इसके साथ बच रहा है जो इसको टच करेगा, कौन सी ईंट आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो एक प्रश्न में छुपा हुआ है, उस प्रश्न को आप ढूंढेंगे तो कौन सा ईंट मिलेगा, तो ईंट ई का सरफेस इसके साथ टच करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 7। तो कितना डिफिकल्ट आपको गहराई में सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर पूछ दिया जाए कि डी ईट कितने से टच करेगी, तो डी ईट के बारे में आप देख ले, तो डी ईट देखिए 1 2 3 डायरेक्ट फेस 3 है, लेकिन ए ईंट किधर की तरफ जाएगी, ये ईंट पूरी तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस डायरेक्शन में जाएगी तो किसके किसके ईंट से और टच होगी, तो सबसे पहले आपको इस ईंट से टच होगा, नीचे में बॉटम में इससे टच होगा, इससे टच होगा, कितने हो गए 6 हो गए, और एक लास्ट में जो आपका टच होगा इसके पार्ट से एक पार्ट और इस ईंट के साइथ में यहाँ आके जाके टच हो जाएगी। तो कितने टच हो गए 7, यहाँ भी ईंटों की संख्या कितनी हो गई 7। तो कितना डेप्थ सोचना है आप समझ सकते हैं। उसके बाद ई ईंट कितना टच हो रहा है, तो ईंट ई की संख्या आप देखेंगे तो सबसे किनारे में है, और जितना साइड में ईंट रहता है वो कम से कम टच होगा, फिर भी इसको आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे होगा। तो देखिए ई ए ईंट उसी का पार्ट है, उसके बाद एक किससे किससे टच हो रहा है, डायरेक्ट ए से टच हो रहा है, उसके बाद आपका डायरेक्ट ए ब्लैंक ईंट से टच हो रहा है, इससे टच हो रहा है और इससे टच हो रहा है, और किसी ईंट से टच होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए इस ईंट को आप इस कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो ये ब्लैंक वाला ईंट पूरी ईंट को कवर कर ले रहा है पीछे नीचे की तरफ से, तो नीचे की तरफ से अगर ये ईंट कवर कर लिया तो ई को पूरी तरह से यहाँ तक ब्लॉक कर दिया है, तो ये ब्लॉक कर दिया तो टोटल ईंटों की संख्या कितना ही रह जाएगी, ओनली 4 रह जाएगी। लेकिन अगर ये ईंट किसी और डायरेक्शन में होता, ये अगर मान ले कि ये ईंट इस तरह से होता तो उसके साथ साथ 2 ईंट और प्लस और ईंटों की बढ़ जाती संख्या, तो यहाँ ई के बराबर 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं स्पीड में ए बराबर 7 हो गया हमारा, बी बराबर 4 हो गया, सी बराबर 7 हो गया, डी बराबर 7 हो गया और ई बराबर 4 हो गया। तो इस तरह से ईंटों का कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है, और जब ये एक बार कर लेंगे उसके बाद आपको इसमें कलर भी करना है। तो ए बराबर हमारा कितना था, 7 था, बी बराबर हमारा 4 है, सी बराबर 7 है, डी बराबर 7 है और ई बराबर 4 है। तो ये कब होता था, पेपर में, अब आएगा कंप्यूटर में ये ऑप्शन, तो आपको केवल क्लिक करना है, क्लिक जैसे ही करेंगे CBT 2 में तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। एक दूसरी नोट देने वाले बात कि अगर हमसे 60 नहीं हो रहा है, मतलब 60 के टाइम में नहीं हो रहा है, 50 क्वेश्चन है 30 अब नहीं कर पा रहे हैं, कितने सेकंड में, 300 सेकंड में, तो क्या करें। तो एक सिंपल सी आपके लिए इस बार रेलवे की तरफ से हेल्प है कि आपको नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग, जितने प्रश्न आप कर सकते हैं स्पीड से सही सही उतना पहले कवर कर ले, बाकी
टोटल को आप जरूर कवर करें, क्योंकि ये आप इसमें नेगेटिव नहीं है। अगर 5 प्रश्न भी और सही हो गए, 6 भी हो गए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। इसी तरह अगले हम वीडियो में आएंगे, इसको स्पीड में लेके आएंगे, क्योंकि पहले आप प्रैक्टिस कर ले, इसको समझ लें, उसके बाद फिर से वीडियो लेके आते हैं। और इसमें हम बात करेंगे ब्रिक टेस्ट और भी टेस्ट जो भी होगा, एक एक करके कर देंगे। अभी टाइम है हमारे पास, तो इसमें घबराना नहीं है, आपको समझना है क्या टॉपिक है, क्या है। और कुछ इसमें अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, जो हमारे पास पॉसिबल इसको देखा जाएगा। और कुछ लोगों कमेंट पढ़ते भी हैं, तो मेरा व्यू ये रहता है कि अगर आपको जवाब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो उसको करेक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।